परमेश्वर है, आत्मा पवित्र है। तो जब पाप और पुण्य की बात आती है तो अगर आत्मा आत्मा पर कोई आक्षेप नहीं हो सकता, शरीर नश्वर है, तो इस जीवन में किया गया पाप तो शरीर के साथ नष्ट हो जाता है। और बैठ बीच में कोई चीज हो, रहने दीजिए आत्मा और शरीर पृथक हो जाए, बीच में कौन चीज है दोनों का संबंध बनाए हुए? कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतःकरण और प्राण, सूक्ष्म शरीर, समझ गए? सूक्ष्म शरीर बिजली भी है और बल भी है, लेकिन दोनों के योग से प्रकाश की प्राप्ति हो रही है नहीं? आकाश में बिजली रह जाए और बल्ब का बिजली का योग ना हो, तो बल्ब के रहने पर भी नभोमंडल में या बादल में विद्युत के रहने पर भी जब तक बिजली वहां चमके नहीं, और जब तक यांत्रिक मानसिक तांत्रिक विधा से बिजली को व्यक्त करके बल्ब के साथ उसका संबंध जोड़े नहीं, तब तक प्रकाश तो नहीं प्राप्त होगा ना। इसीलिए आत्मा और शरीर का जो संबंध है वो बीच में संयोजक के रूप में सूक्ष्म शरीर है, उसी का नाम आत्मवाहिक शरीर है, उसी का नाम लिंग शरीर है। उसमें पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार और प्राण प्रभेद, मुख्य रूप से प्राण अपान व्यान उदान समान, इनका समुदाय सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर में शुभाशुभ कर्म के संस्कार रहते हैं। शरीर के छूट जाने पर भी शुभाशुभ कर्मों के संस्कार नष्ट नहीं होते। जितना कर्म फल देने के लिए उद्यत हुए थे उनमें जितने अंश से यह शरीर मिला, इस जीवन में रहकर उन कर्मों का फल भोग लिया तो यह शरीर छूट जाता है। बहुत अच्छा उदाहरण है, स्वप्नावस्था में इस शरीर का भान नहीं होता, फिर भी स्वप्न जगत में एक शरीर मिल जाता है, उस शरीर को देने वाला भी तो शुभ या शुभ कर्म है। ब्राह्मण का शरीर मिल गया, योगी का, सन्यासी का स्वप्न में, गधे कुत्ते आदि का मिल गया, तो मानेंगे ना दिव्य शरीर मिला तो पुण्य के योग से, पशु पक्षी आदि का शरीर मिला, वृक्ष आदि का शरीर मिला तो पाप के योग से। अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार का नाम अंतःकरण है, उसमें शुभाशुभ कर्म के संस्कार रहते हैं। इसलिए स्थूल शरीर के छूट जाने पर भी वास्तव में जीव मुक्त नहीं होता। पुरियष्टक सहित जीव कला की विद्यमानता रहती है। कल हमने इसकी व्याख्या की थी, नायम जनो में सुख दुख का हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मन परम कारण माम अनंती संसार चक्रम परिवर्तय। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंध 23वां अध्याय। आत्मा और शरीर के संबंध में बहुत अच्छा उदाहरण ले लीजिए, इंजन भी हो डब्बे भी हो, उनको जोड़ने के लिए कोई चीज चाहिए या नहीं? इंजन पृथक डब्बे पृथक, और इंजन और डब्बे को जोड़ भी दे चलाने वाला ही ड्राइवर ना होता, ठीक है? शरीर इंजन और डब्बे को जोड़ने के समान अंतःकरण या सूक्ष्म शरीर और शरीर स्थूल शरीर का संबंध होता है, और चलाने वाला जीव होता है रेल के चलाने वाले के समान। जीवात्मा में भी आत्मा शब्द है या नहीं अंत में? परमात्मा में भी आत्मा शब्द अंत में है या नहीं? महात्मा कहने पर भी अंत में महा के साथ आत्मा शब्द का योग है या नहीं? दुरात्मा कहने पर भी अंत में आत्मा है या नहीं? आत्मा तो अनुगत है, लेकिन एक को दुरात्मा एक को महात्मा क्यों कहते हैं? अंतःकरण में जो शुभ अशुभ कर्म है वही जब उच्छलित होते हैं पुण्य के रूप में, तब किसी जीव का नाम पुण्यात्मा हो जाता है। पाप के रूप में उच्छलित होते हैं तो उसी जीव का नाम कभी पापात्मा हो जाता है।
वेदांत की प्रक्रिया का गुरुमुख से विधिवत अध्ययन करें तब मालूम पड़ेगा कि कर्म कहाँ रहता है, अविद्या काम और कर्म के तीनों कहाँ रहते हैं। पुरियष्टक में कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेन्द्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, तन्मात्र पंचक, अविद्या काम कर्म, इनका सन्निवेश है। ये आध्यात्मिक आठ पुरियां हैं। तो अविद्या भी जागृत और स्वप्न में अंतःकरण में रहती है, सुषुप्ति में अंतःकरण अविद्या में विलीन होता है। इतना अंतर। लेकिन कामना और कर्म ये दोनों का निवास कहाँ है? अंतःकरण। तद्धात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, गीता दूसरा अध्याय। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, गीता तीसरा अध्याय। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिचा, तैत्तिरीय उपनिषद। इन सब को पचासों ग्रंथों को मन में रखकर हमने आपके प्रश्न का उत्तर दिया। और कोई प्रश्न?